हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया हूँ, और आप लोग कैसे हैं? मैं स्वस्थ हूँ। और देखिए, आज मेरी बहन आ रही है मेरे घर, तो मैं बना रही हूँ उसके लिए पुआ, जो कि उसको बहुत पसंद है। तो पुआ मेरे यहाँ सबसे अच्छा बनता है, क्योंकि जो भी खाता है बहुत तारीफ करता है। तो पुए में देखिए क्या पड़ता है। मेरे यहाँ मैदा है और सारे सूखे फल हैं और दूध और हल्का सा मीठा सोडा, इलायची पाउडर वगैरह डाल के फेंट के एक डेढ़ घंटा पहले ही हम लोग फेंट के रख देते हैं, और फिर बना के गरम गरम खाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग देख के ही समझ रहे होंगे कितना अच्छा होगा। और अचार से बहुत अच्छा लगता है। ये वाला थोड़ा सा पकड़ लिया था, क्योंकि मेरा फ़ोन आया था, मैं सुनने चली गई थी। और पुआ वगैरह बन गया, आप देखिए। पनीर बना रही हूँ, क्योंकि इनका ऑफिस रहता है तो सुबह ही मुझे बनाना पड़ता है जो भी रहता है, क्योंकि ये 9:30 बजे तक तैयार हो जाते हैं ऑफिस जाने के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि बनाने से क्या फ़ायदा, जब यही ना खाएं तो मैं तो जल्दी ही बना देती हूँ। तो ये देखिए 9 बजने वाले हैं, मैं इनके लिए रोटी सेक रही हूँ, क्योंकि ये नहा के पूजा करें। और ये मेरी बेटी की थाली है, वो भी अपने पापा के साथ ही खाती है, देखिए। तो अभी ये नहीं खा रही क्योंकि चावल गर्म है, कह रही है तुम्हारे हाथ से खाऊँगी। मैंने बोला चलो तुमको आराम से खिलाते हैं। और इनका फ़ोन आ रहा था ऑफिस से बार बार, तो ये जल्दी खा रहा है कि जाना है। फ्रेंड्स, इनको पनीर नहीं पसंद है, इसलिए पनीर नहीं लिए हैं। लिए भिंडी की सब्ज़ी, दाल, थोड़ा सा चावल लिए हैं, क्योंकि कल रात को ये शादी में गए थे तो इनका मन नहीं था रोटी या पूड़ी खाने का, फिर भी 2 रोटी लिए हैं। कुछ नहीं, और ये बोल रहे थे कि मन नहीं है, दोपहर में आएंगे, लेकिन आते नहीं है, इसलिए मैंने बोला खा के चाहिए। तो देखिए अब मुझे लेके आए साड़ी की दुकान पर, क्योंकि मेरी बहन आ रही है शादी के बाद पहली बार, तो उसको देने के लिए मुझे साड़ी लेने आए हैं। तो इनको ये रेड वाली साड़ी अच्छी लग रही थी, मैंने बोला अभी उसकी शादी हुई है तो रेड कलर तो उसके बाद बहुत सारा है। ये साड़ी अच्छी थी, लेकिन ये नग वाला जो आ रहा है मुझे नहीं अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि नग गिर जा रहा तो बहुत बेकार लगता है ये। और ये साड़ी मुझे ब्लू वाली जो है थोड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी देखिए 3 साड़ियाँ मैंने लेके रखा है, उसमें से जो उसको पसंद आएगी वो साड़ी मैं उसको दे दूँगी। तो अभी ये सब साड़ियाँ हैं। फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कौन सी साड़ी अच्छी है, और चैनल पर बने रहिए। चैनल पर अगर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि लाइक करने में कुछ नहीं जाता फ्रेंड्स। और बताइएगा ज़रूर कि साड़ी कौन सी अच्छी है, क्योंकि रेड तो उसके पास बहुत सारी है, और ये रेड साड़ी अच्छी थी, लेकिन मुझे ये ग्रीन वाली अच्छी लग रही है, जो हल्के ग्रीन में है, नीचे वाली, क्योंकि इसका कपड़ा बड़ा सॉफ्ट था और एकदम हट के ये साड़ी है, मुझे ये अच्छी लगी। मैंने ये साड़ी लिया भी है, और अगर उसको अच्छा लगेगा तो दे दूँगी, नहीं तो मैं खुद ही पहनूँगी। ये साड़ी ऐसी कि मेरी सास भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये साड़ी में कुछ है नहीं फ्रेंड्स, बहुत अच्छी है, एकदम हल्की कंफर्टेबल साड़ी है, और मुझे इस टाइप की साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने दुकान वाले से बोला भी कि कंफर्टेबल साड़ी ऐसी दिखाइए कि जो पहन के दिन भर रह सके, क्योंकि वर्क वाली और ये सिल्क वाली से तो एकदम अब देखने का मन नहीं करता है। और मेरे पास तो सिल्क वाली साड़ियाँ बहुत सारी हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों की कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है, आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।